स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा प्रश्न पर 2015 जो कि सामाजिक विज्ञान का है। इसके पिछले वीडियो में मैंने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी पेपर 1 और 2 को लेकर बात की है। उसके सभी क्वेश्चन पेपर मैंने बताए हैं 2015 से 17 तक की, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप क्वेश्चन पेपर सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे परीक्षा प्रश्न पर 2015 सामाजिक विज्ञान, इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जिसे आप बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चोल काल में निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। इसमें का पहला ऑप्शन है विष्णु की, दूसरा है नटराज की, तीसरा है भगवान वेंकटेश्वर की, चौथा है भगवान बुद्ध की, ठीक है। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया। इसमें पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा है इल्तुमिश, तीसरा है बलबन और चौथा है मोहम्मद तुगलक। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है लाहौर में, तीसरा है अजमेर में और चौथा है काबुल में। फिर है चौथा आपका ऑब्जेक्टिव हिजरी संवत चलाया गया, पहला है बाबर द्वारा, दूसरा है हुमायूं द्वारा, तीसरा है अकबर द्वारा और चौथा है शाहजहां द्वारा। पांचवा है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसमें का पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है आगरा में, तीसरा है सोनीपत में, ठीक है, चौथा है फतेहपुर सीकरी में। छठा है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। इसमें पहला ऑप्शन है दुर्गादास ने, दूसरा है अहिल्याबाई ने, तीसरा है ताराबाई ने और चौथा है जीजाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडिया सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। इसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 12। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 ऑब्जेक्टिव है आपका सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को, इसमें पहला ऑप्शन है बदलने का अधिकार है, दूसरा बदलने का अधिकार नहीं है, तीसरा है बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, चौथा है बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। इसमें का पहला ऑप्शन है एकता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है आपका 10वां ऑब्जेक्टिव वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है। इसमें का पहला ऑप्शन है जीरो आधारित बजट में, दूसरा है संतुलित बजट में, तीसरा है घाटे की बजट में और चौथा है बचत के बजट में, ठीक है। फिर आपका 11वां ऑब्जेक्टिव है दामोदर घाटी योजना से संबंधित राज्य है। इसमें का पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका बिहार तथा पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है बिहार। फिर है आपका 12वां ऑब्जेक्टिव 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। पहला है उत्तरी ध्रुव व्रत पर, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव व्रत पर, तीसरा है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर और चौथा है केवल दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 ऑब्जेक्टिव है तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। पहला है पठार, दूसरा है सिंधु पंख, तीसरा है महासागर धारा और चौथा है प्रायद्वीप। फिर है 14 ऑब्जेक्टिव मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी और चौथा है चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। इसमें पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है मृत सागर और चौथा है भूमध्य सागर, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर के। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है ये। इसमें पहला यानी क्वेश्चन नंबर 16 है सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित है। 17 देखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 है मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। क्वेश्चन नंबर 19 है दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। आगे देखेंगे फिर है आपका क्वेश्चन 20 सल्तनत काल में किसे तृतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि मिली। 21 क्वेश्चन है शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है FIR का पूरा नाम
लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सैल कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, पैंजिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बात होगी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें का पहला है यानी 31 है, इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या सुधार किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखिए, किन्हीं दो संतों के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे मौलिक अधिकारों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी के अधापतन में कितनी परतें हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायुमंडल का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, उत्तरी ध्रुव की खोज के विषय में लिखिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर बात, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अभी आपको इसके आगे के जो परीक्षा प्रश्न 2016 का है सामाजिक विज्ञान, वो बताया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत